आस्था और अंधविश्वास की इस कड़ी में आज हम आपको तमिल वासियों की एक प्राचीन परंपरा से अवगत करा रहे हैं। जलीकट्टू नामक यह परंपरा असलियत में एक पारंपरिक खेल है, जिसे वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच साहस व पौरुष का पर्याय माना जाता है, मगर इस खेल का यथार्थ आज भी बहुत विवादास्पद है। प्रत्येक वर्ष पोंगल के अवसर पर फसलों की कटाई वाले तमिल क्षेत्र में इस पर्व पर मदुरई के पास जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है, जो लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होता है। पशु कल्याण बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में जलीकट्टू जैसे हिंसक खेल पर पाबंदी लगाने की मांग की है। पहले तो उच्चतम न्यायालय ने इस खेल पर पाबंदी लगा दी थी, पर तमिलनाडु सरकार की गारंटी पर बाद में इस खेल को सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने की आज्ञा भी दे दी। तत्पश्चात कड़ी निगरानी के साथ यह खेल 16 व 17 जनवरी को जिला प्रशासन के संरक्षण में पलमेणु व आलंग नल्लूर में संपन्न करवाया गया। 550 से भी अधिक प्रशिक्षित नुकीले सींग वाले बैलों और 450 पुरुषों ने इस खेल में भाग लिया। ஆக ஆக ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்காரு, ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கா சூப்பர் மார்க்கெட் பிடிச்சா
ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்காரியா பாப்பா 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 ஆ தூக்கி எடுத்துச்சா अब आपको बताना है कि यह खेल बहादुरी का है या बर्बरता का। क्या इस तरह की प्राचीन परंपरा आज के आधुनिक युग में भी जारी रहनी चाहिए? साथ ही इस तरह की प्रथा में आस्था रखना दरअसल कितना उचित है?